हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को अर्थिंग के बारे में बताऊंगा कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं, और इसमें मैं दो टाइप्स के अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, एक टाइप अर्थिंग के बारे में, एक क्वाइल अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा दोस्तों। और एक हम प्रॉपर अर्थिंग कैसे करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अर्थिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब सारी चीज़ देखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्वाइल अर्थिंग बोलते हैं इसको, ये पाइप जो दिख रहा है पाइप की तरह, इसे पाइप अर्थिंग बोलते हैं। तो मैं डीटीआर स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था ट्रांसफार्मर डीटीआर स्ट्रक्चर के में, कि इस वीडियो में कि मैं तीन पाइप अर्थिंग करते हैं। तो इसमें आपका ये अर्थिंग वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा कि पाइप अर्थिंग कैसे करते हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, पाइप अर्थिंग क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा उससे, नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कि अर्थिंग होता क्या है, अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों अर्थिंग के बारे में चलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को अर्थिंग क्यों चाहिए, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ये आपका क्या है, डीटीआर स्ट्रक्चर है, ये आपका 11 केवी का लाइन आ रही है, ये आपका एलए लगा है, उसके बाद एबी स्विच लगा है, इसके बाद डीओ फ्यूज ट्रांसफार्मर, और आपका ये है 8SWG वायर है, ये आपका पाइप अर्थिंग है। तो इसमें मैंने तीन पाइप अर्थिंग किए हैं। तो पाइप अर्थिंग क्यों किया मैंने, अगर मैं पाइप अर्थिंग नहीं करूं तो क्या होगा, अगर करूं तो क्या होगा। देखिए, बेसिकली हम लोग पाइप अर्थिंग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्यों करते हैं, जब भी आपका लाइटनिंग आए, जब भी आपका क्या है लाइटनिंग आए, या कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के केस में और आपका लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है, जब आपके तार में वो कंडक्टर में गिर जाता है, तो क्या होता है, इतनी उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट रहती है, चाहे आप कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इतने स्पीड में करंट आता है, इतने हाई अमाउंट में करंट आता है कि आपको जो अप्लायंस लगे हैं, एले लगे हैं, इसको डैमेज कर सकता है, ट्रांसफार्मर को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक अर्थिंग करते हैं, ताकि वो जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है, चाहे वो लाइटनिंग की वजह से हो, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हाई करंट आ रही है, वो उसको हम कहाँ पहुँचा दें, इस अर्थ पे पहुँचा दें। अर्थ पे क्यों पहुँचा दें, अब जो अर्थिंग हम लोग अर्थ पे ही क्यों करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो अर्थ क्या है, इतने हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अर्थ के पास, कहा जाता है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है, इतने रेजिस्टेंस होता है कि वो करंट को क्या कर देगा, मार देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा पाथ बनाते हैं कि वो कहाँ चला जाए, अर्थ के पास चला जाए, और वो जाके वहाँ पर करंट जो आपका डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तो अर्थिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब भी ओवर करंट आ जाए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, चाहे वो लाइटनिंग की वजह से, तो क्या होगा, आपका जो ओवर करंट है वो आपका ट्रांसफार्मर को डैमेज ना करे, लाइन को डैमेज ना करे, एलो को ज़्यादा डैमेज ना पहुँचा पाए, वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड पे चला जाए। तो कभी कभी आपने देखा होगा, अगर प्रॉपर वे में अर्थिंग नहीं होता है, सपोज़ मैंने प्रॉपर वे में अर्थिंग नहीं किया, बहुत लूज़ अर्थिंग किया, ठीक है, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कहीं आपका एले ब्लास्ट कर जाता है। तो एले ब्लास्ट करने का ये भी कारण है कि आपका प्रॉपर वे में अर्थिंग नहीं है, जिसकी वजह से लाइटिंग अरेस्टर जो है, एले जो है, वो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो मैंने बताया था कि तीन पाइप अर्थिंग करते हैं ट्रांसफार्मर या डीटीआर स्ट्रक्चर में, तीन पाइप अर्थिंग करते हैं। सेपरेट किसके लिए करते हैं, जो लाइटिंग अरेस्टर जो टॉप में लगा होता है, या कहीं कहीं पर आपका एचटी बुश के पास लगाते हैं, तो ऊपर में लगाते हैं, अगर एले लगा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग सेपरेट देते हैं, सिर्फ सिंगल एक सेपरेट पाइप अर्थिंग पे हम लोग क्या देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरा, ये जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आपका जो निकल रहा है, तीन फेस एक न्यूट्रल, इस न्यूट्रल की भी अर्थिंग हम लोग क्या करते हैं, इस पाइप अर्थिंग पे दे देते हैं। बाकी जो जितना बचा आपका एबी स्विच, उसका हैंडल हो गया, डीओ फ्यूज हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर बॉडी हो गया आपका, फिर आपका क्या हो गया, ये चैनल, बेस चैनल जो ट्रांसफार्मर के जो नीचे रखा है चैनल, उस चैनल पे, टॉप चैनल पे आपका ये एलटीडी बॉक्स जो लगा है, उसका भी एक पाइप अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। तो तीन पाइप अर्थिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सपोज़ मैं मान लूँ कि अगर आप, मैंने तीन पाइप अर्थिंग कर दी हैं, अच्छे से कर दी हैं, सपोज़ आपने क्या किया, ओवर करंट आया, तो क्या होगा, मैंने प्रॉपर वे में अर्थिंग किया, तो वो जब भी आएगा तो सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, एले में आएगा। सपोज़ बिजली कड़की यहाँ पे 11,000 लाइन पे आ गई, तो क्या होगा दोस्तों, वो क्या आएगा, सबसे पहले एले पे आएगा, और वो एले क्या करेगा, उसको यहाँ इस पोल से जीआई वायर से, हम लोग जो 8SWD लिखे हैं, जी है ये, सॉरी, तो 8SWG जो वायर है वो क्या होगा, वो ग्राउंड के थ्रू, ये अर्थिंग के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, पाइप अर्थिंग पे आ जाएगा। तो कहीं कहीं भी देखते होंगे आपका एले डैमेज हो जाता है, तो वो आपका क्या, प्रॉपर अर्थिंग नहीं होने की वजह से। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इतने सारे
अप्लायंस क्यों लगाए ले डीओ फ्यूज, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए लगाए हैं। कहीं कहीं पर तो आपका एल ए भी नहीं लगा रहा था, ए बी स्विच भी नहीं लगा, डायरेक्ट डीओ फ्यूज और ट्रांसफार्मर, तो उस केस में क्या होता है ट्रांसफार्मर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर अक्सर जो होंगे आपके ये डीओ फ्यूज जो होता है वो उड़ जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे कि अर्थिंग कैसे करते हैं। और ये चीज़ मैं एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम लोग ट्रांसफार्मर का जो आपका न्यूट्रल का जो सेपरेट अर्थिंग क्यों दे रहे हैं, जो आपका स्टार कनेक्शन से आपका एक क्या निकलता है, न्यूट्रल निकलता है। तो उस न्यूट्रल को हम लोग पाथ कहाँ देते हैं, इस पैप अर्थिंग के थ्रू उसका पाथ बना देते हैं। तो क्या होगा, जब भी ट्रांसफार्मर इंटरनली अगर फॉल्ट आ गया, कभी कभी वो मान लो सपोज 433 का ये आउटपुट देता है, तो कभी कभी मान लो 460 दे दिया, तो उस समय क्या होगा, अगर हम सपोज इसकी अर्थिंग मैंने न्यूट्रल की नहीं की, फेस की, तीनों फेस की दे दी, तो क्या हो सकता है, आपका जो भी हाउस होल्ड है, जो भी घर है आसपास में, वहाँ पर अगर इसकी लाइट जाएगी तो वो आपके पंखे बल्ब वगैरह को डैमेज कर सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, पंखा बल्ब वगैरह फ्रिज वगैरह सारे बर्न कर जाते हैं। तो क्या होता है, प्रॉपर वे में अर्थिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो चीज़ को डैमेज कर देता है। या कभी कभी जो आपका एलटी लाइन में पुराना तार होता होगा, जब भी हेवी करंट आएगा तो वो पुराना तार भी आपका टूट जाता है। नया तार है तो कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लेगा वो, बट अगर कमज़ोर है पुराना लाइन है तो आपका वो उसका तार भी टूट जाता है। इसलिए दोस्तों प्रॉपर अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, सबसे पहले मैं पैप अर्थिंग के बारे में बताऊँगा कि पैप अर्थिंग होता क्या है। ये आपका पैप अर्थिंग दिख रहा होगा, तो ये आपका पैप की तरह दिख रहा है, ये पैप अर्थिंग है। ये पैप अर्थिंग को क्या बोलते हैं, GI पैप बोलते हैं। तो GI का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन है। तो ये किस चीज़ का मटेरियल का बना है, GI का बना है, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जब हम जिंक की कोटिंग कब किस में कर दें, आयरन में कर दें। तो ये किस चीज़ का मटेरियल का बना है, ये आयरन का ही है, बट इसमें जो हम लोग जिंक की क्या कर दिए हैं, कोटिंग कर दिए हैं, एक लेयर चढ़ा दिए, ठीक है। तो ये GI पैप हो गया, जिसका लेंथ अगर लेंथ देखा जाए तो कितना होता है, 2.5 मीटर का इसका लेंथ होता है। अगर इसका डाया देखें तो कितना होता है, 40 mm का डाया होता है, और इसमें छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, ये कितने के होते हैं, 12 mm का होता है। अब ये क्या, ये चीज़ क्या, यहीं पर से हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दो नट लगता है, यहाँ पर इसको देखिए आपको दिख रहा होगा, दो नट लगता है यहाँ पर। कितने का नट लगता है, 12x30 का साइज का लगता है। 12 मतलब इसका डाया हो गया इस होल्स का, और 30 इसका लेंथ हो गया, उतना लंबा का आपका लगेगा, दो नट बोल्ट लगेगा। ये आपका क्लैम्प है, ये वाला जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्लैम्प, ठीक है, अर्थ पैप का क्लैम्प है ये। इसका भी डाया कितना है, 40 mm, और इसकी जो थिकनेस है इसकी वो कितना है, 3 mm, ठीक है। एक तरफ का ये वेल्डेड रहता है, दूसरा तरफ इसका क्लैंप लगा के दो नट बोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, 12x30 वाले से फिट कर देते हैं। तो ये आपका ये चीज़ आपको क्लियर आ गया होगा कि कितना लेंथ कितना डाया का होता है। चलिए अब हम लोग देखें कैसे इरेक्ट कैसे करते हैं। ये देखिए, सपोज ये आपका पोल है, ठीक है, तो आपका पोल से इस पैप अर्थिंग का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर, मतलब 1200 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसका हम लोग गड्ढा कितना करेंगे, 600x600 का गड्ढा करेंगे, लंबाई और चौड़ाई 600x600 का रखेंगे, डेप्थ कितना देंगे, मैक्सिमम 3 मीटर, अप्रोक्स 3 मीटर दे दीजिए आप, ठीक है। 3 मीटर से थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। और जब आप ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ ज़मीन है आपका, ये ग्राउंड लेवल से इस पैप अर्थिंग का कितना होना चाहिए, 200 mm के अंदर होना चाहिए, मतलब इसको बाहर नहीं रखना है, थोड़ा सा अंदर ही रखना है। तो इसलिए 200 mm आप रख सकते हो। उसके बाद क्या है दोस्तों, अगर यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, जो कनेक्शन जो करते हैं, ठीक है, वो आपका वी क्रॉस लगा होता है, जहाँ से इंसुलेटर है उसके जो चैनल्स हैं, वहाँ से हम लोग पोल से उतार के यहाँ से ग्राउंड पे हल्का सा यहाँ पर गड्ढा करते हैं हल्का सा, और उसको जो GAR है, जो ऊपर ना रहे, नंगा खुला ना रहे, इसलिए थोड़ा सा ज़मीन से ले आके यहाँ से इसके क्लैंप में जाके हम लोग क्या कर देते हैं, कस देते हैं। तो जब भी हाई करंट आएगा तो इस GI वायर जो है 8SWG का, वो कहाँ चला जाएगा, इस पाइप अर्थिंग में चला जाएगा। अब इस पे पाइप अर्थिंग जो करते हैं, इसमें हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, चारकोल, साल्ट, बिल्टनाइट पाउडर भी यूज़ करते हैं लोग, पानी दिया जाता है, ये सब क्यों दिया जाता है, ताकि हम प्रॉपर वे में क्या कर सके, अर्थिंग का एक प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो ये सब सारे चीज़ क्या करती है मैं बता देता हूँ। पानी वगैरह हमेशा प्रॉपर वे में दिया जाता है, गर्मी के दिनों में आपका अर्थिंग ज़्यादा कम काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी जो होती है उसमें रेजिस्टेंस जो होती है क्या हो जाती है, ज़्यादा होने लगता है। तो रेजिस्टेंस इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर गर्मी के दिनों में है तो आप हमेशा पानी थोड़ा डाला कीजिए अर्थिंग में, इससे आपका अर्थिंग क्या होगा, स्ट्रांग होगा।
तो आपका चारकोल साल्ट वगैरह इसलिए डालते हैं क्योंकि जो यहाँ पर आप लोगों ने पैपर्थिंग किया है, ये 300 mm इतने जो एरिया जो है इसके, यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है इस सॉइल की, ये बहुत ज़्यादा होती है। बट जब हम लोग चारकोल साल्ट बेल्टनाइट पाउडर या पानी जब मिलाते हैं तो यहाँ का जो सॉइल का जो है रेजिस्टेंस जो है दोस्तों कम हो जाता है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इस क्योंकि हमको इस यहाँ के जितने आसपास की जो सॉइल इसकी कंडक्टिविटी को हमें बढ़ाना है, मतलब यहाँ पर से जब भी करंट आए तो बहुत ही स्पीड से यहाँ पर आके और इंड में आके यहाँ पर क्या हो जाए, वो जो हाई ओवर करंट है वो यहाँ पर क्या हो जाए, मर जाए आके। तो इसको हमको अच्छा फ्लो, अच्छा पाथ बनाना है, तो यहाँ के एरिया को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट इसकी रेजिस्टेंस को, इस यहाँ के सॉइल की रेजिस्टेंस को हम लोग कम करने के लिए चारकोल साल्ट वगैरह मिलाते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी सॉइल की बढ़ जाए, तो इसका अर्थिंग है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आपको बताया था 8SWGIR जो ये अर्थिंग कर रहे हैं इस वायर से, वो उसके बारे में दिखा दूँ कैसा होता है। ये देखिए आपका अर्थिंग वायर है, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, GI वायर है, इसको अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका बहुत सारे साइज का आता है, एक SWG 2 SWG बहुत सारे आते हैं, 3, 4, 5, 6 करके आता है, ये इसका सीक्वेंस है। तो हम लोग ST लाइन की, अगर 11 kV की लाइन है कहीं पर हम लोग को देना है, जैसे हम लोग DTR स्ट्रक्चर में वहाँ पर 11,000 की लाइन आ रही, तो वहाँ पर कौन सा अर्थिंग वायर यूज़ करेंगे, 8SWG SWG का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसका डाया देखा जाए दे तो 4 mm का होता है, तो आपको बस इतना याद रखना है, जहाँ में जो अर्थिंग जो करते हैं ट्रांसफॉर्मर DTR स्ट्रक्चर का, वो कौन सा वायर से करते हैं, अर्थिंग वायर का क्या नाम है, 8SWG का, उसका डाया 4 mm का। लो टेंशन लाइन है, मतलब 440-230 है, तो उसमें हम लोग 10SWG का अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं, उसका डाया कितना होता है, 3.25। तो हमें उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पेपर थिंग के बारे में, कितना गड्ढा के क्या डालते हैं, चारकोल वगैरह क्यों डालते हैं। अब मैं दोस्तों क्वाइल अर्थिंग के बारे में बताता हूँ आपको, जैसा दिख रहा है फिगर में, ये क्या है दोस्तों, क्वाइल अर्थिंग है। तो क्वाइल अर्थिंग में हम सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ये देखिए, ये गोल गोल घुमा रहता है क्वाइल की तरह, इसलिए क्वाइल अर्थिंग बोलते हैं। ये दिख रहा होगा कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स है, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात की जाए, इसकी नंबर ऑफ़ टर्न जो घूमी हुई है वोंड वोंड, वो कितना होता है, 115 होता है, कहीं कहीं पर आपको 117 भी मिलेगा। उसके बाद इसका जो GI वायर है, ये भी GI का बना है, गल्वनाइज्ड आयरन का बना है, ठीक है। तो इसका डाया कितना होगा, 4 mm ही होता है। और इसका जो डाया की बात किया जाए, जो क्वाइल अर्थिंग है इसकी डाया की बात किया जाए, तो इसका कितना होता है दोस्तों, 50 का होता है, 50 mm का। और इसका 4 mm का, इसका जो आपका GI वायर है उसका 4 mm का डाया का होता है, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जो वॉन्ड किया हुआ है क्वाइल अर्थिंग का, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो कितना होता है, 460 होता है। और ये जो आपको खुला हुआ दिख रहा है 4-5 वॉन्ड किया हुआ है अलग से बाहर में, वो क्या होता है, इसको हम लोग खोल देते हैं, यहाँ पर से दिख रहा हो, यहाँ से आप आराम से खोल दीजिए, तो इसे अगर खोली हो तो कितना मीटर का होगा, वो 2.5 मीटर का होगा, ठीक है, इसको 2.5 मीटर का होगा। उसके बाद हम लोग जो ज़मीन में इसको क्वाइल अर्थिंग को रख के, ये जो 2.5 मीटर है वो आपको पोल तक ले जाने में मदद करेगा, वहाँ से हम लोग पोल के पास से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसे 2.5 मीटर दिया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये 460 जो हो गया, इसका जो वॉन्ड है यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 460 mm का। और इसका डाया कितना हो गया, 50 mm का। और ये जो खुला हुआ था, जो जो आपका जो निकलेगा, जो आपका पोल से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो कितना होता है, 2.5 मीटर का है ये निकला हुआ, आप आसानी से वहाँ पे डाल सकते हो। तो हमें क्वाइल अर्थिंग और पोल के बीच में कितना दूरी पे रखते हैं, जो क्वाइल अर्थिंग ये इस पोल से कितने दूरी पे रखना है, 1.2 मीटर पे। तो आपको 2.5 मीटर दिया गया है, आराम से आप कर सकते हो, छोटा नहीं पड़ेगा आपको, आसानी से कर लोगे आप। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये आपका सपोज पोल है, तो यहाँ से आपका क्वाइल अर्थिंग के बीच का दूरी कितना होगा, सेंटर से देख लीजिए आप, ये देखें 1200 mm, मतलब 1.2 मीटर, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका समझ लो आप, ये आपका पोल है। उसके बाद आपका जो है गड्ढा इसमें करना है, कितना करना है, 1.5 मीटर डेप्थ करना है। वहाँ पर हम लोग पेपर थिंग में कितना करते थे, मैक्सिमम 3 मीटर, नॉर्मली 3 मीटर करते थे, बट यहाँ 1.5 मीटर करना है। और इसका क्वाइल अर्थिंग का 450 यहाँ दिखा, अगर अगर आपका 115 टर्न है तो आपका कितना होगा, इसका लेंथ 450, जब इसका 117 टर्न होगा तो कितना हो जाएगा, 460 mm का इसका लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो टर्न्स है वो कितना है, 115 है, इसलिए इसका 450 दिखा रहा है लेंथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका जो ये जो 2.5 मीटर का निकल रहा था, आपको मैं दिखाया था ये 2.5 मीटर का, ये देखिए ये 2.5 मीटर का, ये इसे आप खोलोगे तो 2.5 मीटर निकलेगा, ये वाला 4-5 जो दिख रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग खोल के हमें क्या करना है, ये थोड़ा ग्राउंड से
300 मीटर 200 मीटर थोड़ा सा अंदर ही रखना, इसे ऊपर से नहीं ले जाना है कनेक्शन, हमेशा इसको नीचे से ले जाना है, ऊपर से इसे नहीं ले जाना है, ठीक है। उसके बाद 300 mm से नीचे ले जाके इस पोल से हमें कनेक्ट कर देना है। इसका जो चौड़ाई होगा वो यहाँ पर जो 600 mm दिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है दीप्ति, इसका कितना हो गया 1500 mm। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी चारकोल साल्ट वगैरह देते हैं। अब इसमें जो हम लोग जो साल्ट वगैरह देंगे, चारकोल देंगे, उसको लेयर बाय लेयर देना है, 300 mm के लेयर में लेयर बाय लेयर देना है। ऐसा नहीं सबको मिक्स कर दिए तो वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वो भी चलेगा। बट अगर आप बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लेयर बाय लेयर डालो, अच्छे अमाउंट में पानी डालो, रेगुलर पानी डालते रहो, तो आपका अर्थिंग बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे आपके ट्रांसफार्मर पर कम लोड रहेगा और आपका ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से चलेगा, उसकी लाइफ लॉन्ग बढ़ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको पैप अर्थिंग क्वाइल अर्थिंग दोनों समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था क्वाइल अर्थिंग और पैप अर्थिंग। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो दोस्तों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा दोस्तों वो लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस और जंपरिंग के बारे में दूंगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर सैग क्या होता है, जंपरिंग क्या होता है, हैमरिंग क्या होता है, तो मैं इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो कल से परसों में मैं डाल दूंगा। वो जो रहेगा लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस, जो अभी आपकी 11440 या आपका 33 kV लाइन जा रही है वहाँ जो कंडक्टर जो ओवरहेड में जा रही है वहाँ से ग्राउंड का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना दे सकते हो, वो सब सारी चीज़ को हम कैलकुलेशन भी बता देंगे। बहुत इजी है, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं जंपरिंग के बारे में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं सैक के बारे में बता दूं, बट नेक्स्ट वीडियो मेरा ये रहेगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।